नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोग के समक्ष एक और नई औषधीय प्लांट लेकर आया हूँ जिसका नाम है गुंजा। ये जो है गुंजा प्लांट्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो इसकी पहचान कैसे करें पहले उसके बारे पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो है गुंजा का फल हो गया, देख रहे हैं, ये जो है गुंजा का फूल हो गया। देखिए गुंजा का फूल और दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, ये गुंजा का फूल हो गया। देखिए गुच्छा गुच्छा में होता है, देखिए दो है, ये देखिए कैसे गुच्छा में है, देखिए देखिए दिखाई दे रहा है, ये गुच्छा में है, देखिए वो भी है आपका गुच्छा में, ये फूल भी है, उसमें फूल भी लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये जो है गुंजा का पत्ता हो गया, ये जो है गुंजा का फूल हो गया, ये भी आपका फूल है, और इसी फूल में से जो है आपका इस तरह का जो है आपका बीज निकलेगा, और ये जो है गुंजा का पत्ता हो गया, देख रहे हैं, और इसी का देखिए इसी को जो अभी कच्चा है तो इसको तोड़े हैं, तो देखिए आपका दो रंग का दिखाई दे रहा है, एक उजला और दूसरा लाल। ये जो गुंजा है तीन प्रकार का होता है, एक उजला रंग का होता है, दूसरा काला रंग का है होता है, और तीसरा जो है देख रहे हैं उजला और लाल रंग का होता है, कुछ कुछ जो है उजला और काला रंग का भी होता है। तो ये जो है गुंजा है। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें, ताकि मैं ऐसा ही अन्य प्लांट्स के बारे में आप लोग को जानकारी लाकर देता रहूँगा। तो ये जो प्लांट्स है, ये जो पत्ता है, पत्ता को कुछ देर तक चबा कर उसके बाद से उसको निकाल करके थूक दे, तो इसमें से जो है मुंह में इन्फेक्शन, मुंह में छाला हो गया हो तो उससे जो है आपको मुंह का छाला जो है ठीक हो जाएगा। मुंह में जो इन्फेक्शन है, मुंह से जो दुर्गंध आता है, इस सब से जो है आप निजात पा सकते हैं। मात्र इस पत्ता को आप चबा कर थूक देने मात्र से आपका मुंह का महक, मुंह में छाले, इन सभी से जो है आप निजात पा सकते हैं ना। तो ये जो है पत्ता का फायदा हो गया। ये जो बीज है, अब बीज के बारे में देखिए रहे हैं, आपको बीज दिखाई रहे हैं, ये जो बीज है, ये जो है तांत्रिक लोग जो है इसका उपयोग करते हैं, देख रहे हैं, ये जो है बीज अभी कच्चा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूं, तो सोचे कि आप लोगों को दिखा दे ऐसे, ताकि मान लीजिए तोड़ना ज़्यादा उचित नहीं है, अभी कच्चा है, अभी ये जो जब बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा इसका आकार और बड़ा हो जाएगा और थोड़ा कड़ा टाइप का हो जाएगा। तो ये जो पत्ता है आपको बताइए दिए कि इससे जो अगर मुंह पाक हो जाता है, पेट के गर्मी से जो मुंह पक जाता है, उन सब में जो आपको मुंह में इन्फेक्शन हो गया है, मुँह में छाला हो गया है, तो उसमें जो है रती करजीरी भी इसको बोलते हैं, रती करजीरी गुंजा इन नामों से जो है इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसके अलावा जिनको शारीरिक क्षीणता हो गया हो, शरीर में कमजोरी का हो, कमी हो गया हो, उनके लिए भी ये गुंजा बहुत ही कारगर औषधि है, लाभकारी औषधि है। उनके लिए जो है ये गुंजा का जो बीज दिखा रहे हैं, गुंजा का बीज और जो है कोंच का बीज, देख रहे हैं, ये गुंजा का बीज और कोंच का बीज दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के उस पानी को पूरा उबाले, जब उबल जाएगा तो उसको चूर्ण बनाकर एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले इसका सेवन करें, तो कुछ ही दिनों में आपका जो है आपका जो शारीरिक छिड़ता है वो दूर हो जाएगा, और जो है आप जो है जीवन का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा जिनको खांसी हो गया हो, खांसी हो गया हो तो उसमें जो है ये गुंजा का पत्ता और तुलसी का पत्ता ले करके आप इसको काढ़ा के रूप में सेवन कीजिएगा, तो इससे जो है खांसी भी दूर हो जाएगा। इस ठंडी के मौसम में जो है ये उगता है, जिनको ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंड लग जाता है, जिनके चलते सर्दी खांसी हो जाता है, तो उसमें जो है इन पत्ते का उपयोग करेंगे तो बहुत ही लाभ करेगा, फायदा करेगा। इसके अलावा जिन महिलाओं को लिकोरिया की शिकायत हो, जिनको मासिक धर्म के समय काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा हो, उसमें जो है आपको ये गुंजा रति बहुत ही कारगर औषधि है, लाभकारी औषधि है, उसमें भी जो है इसका अब जो है सेवन कर सकते हैं। देख रहे हैं, देखिए आपको, देखिए कैसे गुच्छा में लगा हुआ है, देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं गुच्छा में लगा हुआ है। ये जो है सुनार लोग जो है इसको रति का नाम इसलिए पड़ा, ये जो सुनार लोग जो है ना, इस जब ये बड़ा हो जाएगा और तो इसका आकार जो है एक समान हो जाता है, तो सुनार लोग जो है इसको रति रति इसीलिए रति के रूप में नाप तौल के रूप में जो है सुनार लोग इसका उपयोग करते थे, करते भी हैं, तो इसका रति भी नाम है, गुंजा भी नाम है। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें। देख रहे हैं, एक बार और आप लोगों को दिखा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है पत्ता हो गया, ये जो है फल हो गया, देखिए ये फल हो गया गुच्छा पे लगा हुआ है, और ये जो है इसी गुच्छा में जो देखिए फूल है, ये फूल जैसे जैसे ठीक हो जाएगा उसमें फल का रूप जो है ले लेता है, देख रहे हैं। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें। एक बार और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो जो बना रहा हूँ उसको आप लोग पूरा देखा कीजिए। तो बस मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ, स्वस्थ रहें मस्त रहें, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, ओके।